लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगी ना तो उल्लू में बैठ के आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। जो अकेले लक्ष्मी जी को बुलाता है, लक्ष्मी जी कभी टिकती नहीं है। अच्छा, लक्ष्मी जब प्रभु नारायण के संग जाती है ना तो उल्लू पर बैठकर नहीं जाती है। लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं, अकेले बुलाओगे तो उल्लू पर आएंगी, और युगल बुलाओगे मतलब नारायण सहित लक्ष्मी बुलाओगे तो उनका वाहन बदल जाएगा, तो जो उल्लू बना के चली जाऊंगी। इसलिए अकेले लक्ष्मी जी को मत बुलाया करो, भगवान नारायण को बुलाओ। जब प्रभु नारायण को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी उनके संग ही आएंगी, पत्नी कहां जाएगी। तो जब लक्ष्मी जी नारायण के संग आती हैं तो गरुण जी पर बैठ करके आती हैं। किस पर बैठ कर आती हैं? आपने कभी आती तो है पर कभी जाती नहीं है, रह जाती हैं। और जो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ कर आती हैं वो जल्दी भाग जाती हैं। इसलिए अकेले लक्ष्मी की उपासना नहीं, प्रभु नारायण के संग। घर में गोपाल जी तो होंगे, बोलो हाँ या ना। पर आपके घर में एक चीज और होनी चाहिए, कुछ लोगों के घर में है, कुछ लोगों के घर में नहीं है, होनी चाहिए। आपके घर में भगवान नारायण का एक ऐसा धातु की प्रतिमा होनी चाहिए जिसमें प्रभु आराम से लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। आपके घर में भगवान के ये विग्रह जरूर होने चाहिए, धातु के या पत्थर के, जो आपको मिल जाए कि भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके, जिस स्वरूप को आप लोग देखते हैं बैकुंठ में, बैकुंठ में भगवान शेष नाग के ऊपर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके। घर में लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। खड़ा हुआ व्यक्ति तो जल्दी चला जाएगा, बैठा हुआ तो बैठी। तो जब नारायण लेटे होंगे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही होंगी तो ये स्वरूप आपके घर में धातु में होना चाहिए, ताकि आप उनको रोज स्नान करा सको, रोज तिलक करा सको, चरणामृत पी सको और भगवान को इस रूप में प्रणाम कर सको। इस प्रतिमा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये आप श्रीमन नारायण को रोज नहलाओ, उनको लक्ष्मी मैया को नहलाओ। अच्छा ये बताओ, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, इस संसार की सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है, इस संसार की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है? हमने कई बार आपको बताया है कौन सी है संसार की सबसे पहली। भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, अभी प्रारंभ काल है। तो मनु शत्रुपा ने घोर तपस्या की, 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की, तब भगवान प्रकट हुए। और भगवान जब प्रकट हुए तो मनु से कहा मांगो, कुछ मांगो। तो मनु जी ने कहा प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए, आपके जैसा। बोले अब हमारे जैसा बेटा, भगवान बोले हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन हम आपने मांगा तो हम ही अब बेटा बन के आएंगे आपके, पर आएंगे त्रेता में। तो सतयुग से मनु जी जब तक रहे तो रहे, उसके बाद वो स्वर्ग में आनंद करते रहे। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु आप तो त्रेता में आएंगे, तब तक हमें कोई आधार तो दो, हम आपकी उपासना कैसे करें। तब भगवान नारायण ने अपनी एक प्रतिमा उन्हें प्रदान की, ये लो हमारी प्रतिमा ले जाओ और अयोध्या जी में स्थापित करो। मनु जी अयोध्या के राजा थे, तो मनु जी प्रतिमा लेकर के, भगवान ने जो प्रतिमा दी वो कैसी प्रतिमा थी, वही क्षीर सागर शेषनांग भगवान लेटे हैं, जस के तस। जैसे भगवान लेटे हैं, शेषनांग भगवान के गद्दा नहीं है ना, तो शेष भगवान के सुंदर से हो उस पर ही लेटे हैं, गद्देदार सांप गद्देदार उस पर लेटे हैं, कुंडी पर जो शेषनांग भगवान की कुंडी है उस पर लेटे हैं और ऐसे हाथ किए हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। बिल्कुल इसी स्वरूप को, लक्ष्मी सहित स्वरूप को प्रभु ने प्रकट कर दिया, प्रतिमा को प्रकट किया और मनु जी को प्रदान किया। मनु जी लेकर अयोध्या जी आए, फिर मनु जी के वंश में जितने राजा हुए वो सब इनकी पूजा करते रहे। यहां तक कि मनु जी जब दशरथ बनकर आए तो इनकी पूजा की, प्रभु राम ने भी पूजा की। आपने सुना होगा एक बार कौशल्या मैया पूजा कर रही थी, तो मैया ने राम जी को दूध पिला के लिटाया पालने पर, और जब पूजा करने रंगनाथ भगवान के अंदर गई तो वहां भी राम, यहां भगवान की बहुत महिमा है। रंगनाथ जी की पूजा श्री रामानुजाचार्य जी करते थे, ये हमारे दर्शन कीजिए रामानुजाचार्य जी,
ये जो रामानुजाचार्य जी हैं, आज से 1000 साल पहले इस धरती पर आए। क्यों आए? बोले पाप इतना बढ़ गया, अत्याचार इतना बढ़ गया, तो लक्ष्मी माँ ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, जाओ तुम दर्शन दो और लोगों पर धर्म की स्थापना करो। तो रामानुजाचार्य जी आते हैं, लक्ष्मण जी ही रामानुजाचार्य जी के रूप में आए आज से लगभग 1000 वर्ष पहले। और रामानुजाचार्य जी ने खूब धर्म की स्थापना की, भक्ति का प्रचार किया, प्रेम को प्रचारित किया कि प्रभु से प्रेम करो बस। रामानुजाचार्य जी आए और जब इनका जीवन कार्यकाल पूरा हुआ, जब इनकी अंतिम घड़ी आई और जब इन्होंने प्राण विसर्जित कर दिए, प्राण त्याग दिए, तब इनके शिष्यों ने, ये घटना है, ये घटना भी वहीं रंगम की है, रंगनाथ जी की, रंगनाथ मंदिर के अंदर रंगनाथ भगवान की पूजा आप करते थे। फिर जब इनका शरीर पूरा हुआ श्री रामानुजाचार्य जी का, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का, तो इनके शिष्यों ने कहा चलो अब समाधि कर देते हैं, तो जमीन में गड्ढा खोदा और इनको विसर्जित किया। तो रंगनाथ भगवान रोने लगे, रंगनाथ भगवान बोले मेरे रामानुज का अंतिम संस्कार मत करो। अरे तो प्रभु अंतिम संस्कार ना करें? रामानुजाचार्य जी से रंगनाथ भगवान सीधी बात किया करते थे, रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी से बात किया करते थे। तो भगवान रो पड़े, बोले रामानुज को मत समाधि दो, मत अंतिम संस्कार करो। बोले फिर क्या करें? बोले मेरे सामने बिठा दो। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, आप आश्चर्य मानेंगे कि रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी 1000 साल बाद, इस बात को 1000 साल हो गए, आज भी उनका शरीर जस की तस रखा है। आप लोग देख सकते हैं, हम सब लोग देख सकते हैं, ये देखिए उनका ओरिजिनल शरीर है टीवी पर, ये उनका ओरिजिनल शरीर है, कोई मसाला और कोई ईंट पत्थर का सीमेंट का शरीर नहीं है, ये ओरिजिनल, वही हड्डियां वही चमड़ी, ये 1000 वर्ष पुराना शरीर है। और आप लोग दर्शन कर सकते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर रिसर्च की कि भाई इतना पुराना शरीर हमारा, तो आपका शरीर तो देखो 100 मतलब दिन दो दिन पांच दिन में ही बदबू मारने लग जाएगा, पर रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी का बता रहे हैं ना, और उनसे प्रेम भगवान करते हैं, तो भगवान ही तो पंच तत्वों को देने वाले हैं, वो बचाए रखे तो सदा रहेंगे। तो आज भी तिरुपति वाला रंगम में भगवान रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी है। हमारे जो आचार्य हैं वो श्री रामानुजाचार्य जी हैं, हमारी संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय कहाँ से स्टार्ट हुई? माता लक्ष्मी जी से। हमारी तो आचार्य ही माता लक्ष्मी है, इसलिए कहता हूँ कि भगवान नारायण लेटे हों और मैया चरण दबा रही हों, फिर देखना आपके घर सदा लक्ष्मी जी का वास होगा, और बस सदा आपस में जय श्रीमन्नारायण बोला करो, हाय हालो मत बोला करो, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।